जी दीदी। सुनो तुम कल से काम पर मत आना। क्यों दीदी, हमसे कोई गलती हो गई या फिर हम काम सही से नहीं करते? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लीना, बस तुम कल से काम पर मत आना। दीदी कोई तो बात होगी जो आप हमें ऐसे काम से निकाल रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, बस तुम कल से काम पर मत आना। पर क्यों दीदी, कोनो तो बात होगी ना कि आप हमें हमारे काम से मना कर रहे हो। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कल से मैं घर का सारा काम खुद ही कर लूं। इस हालत में आपको लगता है आप घर का काम कर पाओगी? अरे बाकी घरों की औरतें भी तो काम करती हैं, मैं भी कर लूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस कल से मत आ। बाकी घरों की औरतें काम करती होंगी दीदी, लेकिन आपको आराम की जरूरत है और मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। इस हालत में आपको छोड़ के मैं कैसे चले जाऊं दीदी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो दीदी, अगर आप हमें नहीं बताओगी ना तो मैं काम पर जरूर आऊंगी, तो आप सोच लो आप हमें बताओगी कि नहीं बताओगी। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल इनकी जॉब चली गई है और इस घर की EMI, घर का राशन और फिर तेरी तनख्वाह भी तो देनी है। अगर ऐसी बात है तो कल से मैं काम पर जरूर आऊंगी दीदी, और आप मेरी तनख्वाह की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे नहीं नहीं तू मत आना, मैं सब कर लूंगी, अगर तू आएगी तो फिर तेरी तनख्वाह कहाँ से देगी। दीदी तो ठीक है, जब तक हमारे साहब की जॉब नहीं लग जाती ना, मैं आपसे तनख्वाह बिल्कुल नहीं लूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं और काम मिल जाएगा, तुम वहां पे कर लेना। पता नहीं इनकी जॉब कब तक लगती है, कितने दिनों में कितने महीनों में, कुछ नहीं पता। दीदी आपके भी तो मुझ पर बहुत एहसान है ना, वो सब मैं कैसे भूल जाऊं? नहीं तुम मत आना कल से, तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। इसमें परेशानी की क्या बात है दीदी, जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब आप ही थी ना जिन्होंने मुझे बोला था कि मैं अपनी माँ का ख्याल रखूं, उनकी सारी दवाइयों का खर्चा भी तो आपने उठाया था ना, मुझे इतनी छुट्टियां दी ताकि मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकूं, और फिर भी मुझे महीने की पूरी पगार दी आपने, मैं वो सब कैसे भूल जाऊं दीदी? नहीं मैं आपको इस मुसीबत में नहीं छोड़ के जा सकती, आपने भी तो मेरा वैसे ही साथ दिया था ना, जब मुझे किसी ने काम पे नहीं रखा था तब आप ही थी ना जिन्होंने मुझे काम भी दिया, मुझे मेरी माँ की देखभाल करने के लिए छुट्टियां भी दी, फिर इस हालत में मैं आपको छोड़ के चले जाऊं? नहीं दीदी वो तो ठीक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, बस मैंने बोल दिया मैं काम पर आऊंगी और मैं आपकी देखभाल भी करूंगी। अब मैं क्या कहूँ तुम्हें? आप अब मुझे कुछ मत कहो, मेरी तनख्वाह की टेंशन आप छोड़ दो। हाँ मेरी तनख्वाह की देखी जाएगी, पर मैं आपकी इस हालत में जरूर सेवा करूंगी। हाँ कह देती हूँ मैं आपसे। ठीक जैसा तेरा मन। जी दीदी। नेहा कम से कम अब तो एहसास कर लो, हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम तुम्हें कुछ दे पाए, ऊपर से तुम इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रही हो, मैं तो यही कहूंगी कि तुम किसी दूसरे घर में काम देख लो, कम से कम कुछ तो आएगा वहां से। दीदी आप मुझसे थक गई हो क्या? अगर आप मुझसे थक गई हो तो ऐसे ही बता दो, मगर कम से कम ये तो ना कहो कि मैं दूसरों के घरों में जाके काम करूं। नेहा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम कहीं और काम करोगे तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। दीदी मैंने आपके घर का नमक खाया है, फिर इस हालत में आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको छोड़कर किसी और के घर में जाके काम कर लूं, ये मुझसे नहीं होगा दीदी, मैं जैसे हूँ सही हूँ पर मैं काम आपके घर में ही करूंगी। लेकिन आखिर कब तक तुम यहाँ ऐसे काम करती रहोगी, पता नहीं हमारी हालत कब ठीक होगी। दीदी मैं आपके घर में उस वक्त तक काम करूंगी जब तक आपकी हालत ठीक नहीं हो जाती। पूनम।
रोहित, क्या बात है रोहित, आज बहुत खुश लग रहे हो। पूनम, मेरे बॉस का कॉल आया था, मेरी जॉब फिक्स हो गई है और मेरा प्रमोशन भी हो गया है, और जो कई महीनों से उन्होंने मेरी सैलरी रोकी हुई थी वो भी उन्होंने रिलीज कर दी है। हे महादेव, आपने मेरी सुन ली। देखा भैया, मैं कहते थे ना कि आप परेशान ना हो, आपकी जॉब लग जाएगी, और ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। नेहा, तुम सही कह रही थी, तुमने हमारा मुश्किल वक्त में इतना साथ दिया है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नेहा, अब तुम्हारी जितनी भी सैलरी बनती है वो हम तुम्हें जल्दी दे देंगे। तुमने हमारा जितना भी साथ दिया है शायद कोई और नहीं देता, तो इसलिए हम जितना भी तुम्हें देंगे तुम्हें लेना पड़ेगा। नेहा, तुम्हें पता है जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था तब तुम हमारे साथ खड़ी थी, और जिनसे हमें उम्मीद थी उन्होंने भी हमसे मुंह फेर लिया था। भैया, जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी तब आपने भी तो मेरा साथ दिया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस पूरे वक्त में मैं आपका साथ। नेहा, मेरी प्रेगनेंसी में भी तुमने मेरा कितना ध्यान रखा था, मुझे कोई काम तक नहीं करने दिया, मैं उस वक्त को कैसे भूल सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा जो तुमने हमारा इतना साथ दिया।